ओके सो फर्स्टली यू नो पार्टी करने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड है क्योंकि लॉकडाउन के बाद यू नो नहीं मिलता है सीरियसली पार्टी के लिए पार्टी करने के लिए बहुत एक्साइटेड है लेकिन एनर्जी उतनी ही नहीं है मैं भी कुछ बहुत ज्यादा तक ज्यादा राहुल और नतालिया से मिलने के लिए एक्साइटेड है बिकॉज़ आफ्टर दे गॉट एलिमिनेटेड उसके बाद हम मिले नहीं है तो हाँ बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं स्मार्ट जोड़ी की अगर मैं बात करूं तो यू नो स्मार्ट जोड़ी इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग अ बॉन्ड बिटवीन द कपल्स आप उनका बॉन्ड कितना स्ट्रांग हुआ है और एक्चुअली बहुत ज्यादा ग्रो हुए हैं हम बहुत फ्रॉम व्हाटएवर वी स्टार्टेड जहां से हमने शुरुआत की थी स्मार्ट जोड़ी में और आज जहां हम खड़े हैं वो आई थिंक बहुत ज्यादा ग्रोथ देखा है हमने हमारे रिश्ते में व्हिच इज अ गुड थिंग ग्रोथ होते रहना चाहिए सो शो फिनाले पर है क्या कुछ सबसे ज्यादा करने वाले हैं हमने लास्ट एपिसोड जब शूट किया था तब ये कहा था कि रोज़ सुबह आके जो हम लोगों को मिलते थे तैयार होकर एक जो हमारा बॉन्डिंग होता था पहले शूट शुरू हो जाए उससे पहले मिलते थे हम बातें करते थे वो मिस होगा क्योंकि लोग अपनी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कर रहे हैं वहाँ से आके बाद में सीधा आके ऐसे मिलना वो बहुत अच्छा लगता है सबके साथ तो इट्स अ गुड थिंग सेम चीज़ क्योंकि सब साथ में ही रहते थे और शूट एवरीडे तो होता नहीं था महीने में 2-3 बार होता था तो ऑब्वियसली यार वो चीज़ तो मिस होने वाली है कि एक नया एटमॉस्फेयर मिला था उसके लिए कि काम से अलग निकल के कुछ अलग एक्सपीरियंस था सो मोर देन इंडिविजुअल जब एक साथ आप दोनों को पसंद करते हैं तो कैसा लगता है फैंस जो इतना प्यार देते हैं आप दोनों को तब कैसा लगता है बहुत अच्छा लगता है अच्छा ही लगेगा ना अच्छा ही लगेगा ना कोई भी पसंद करे तो अच्छा ही लगता है ओके लास्टली क्या कहना चाहेंगे फैंस के लिए आपके गाने के लिए क्या कहना चाहेंगे किसको सपोर्ट करेंगे किसको तब कॉम्पिटिशन फैंस सब जानते हैं किसको सपोर्ट करना है किसको नहीं हम यही कह सकते हैं आप जितना प्यार देते आए हैं शो को हमें दूसरे कंटेस्टेंट्स को वो जारी रखिए तो ही हम आपको एंटरटेन कर पाएंगे सो मे द बेस्ट जोड़ी वेन एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन थैंक यू थैंक यू सो मच